नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के पश्चिम विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राधा कृष्ण बावड़ी का जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 जून से 16 जून तक नमामि गंगे अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुराने जल स्रोतों का भी जीवन उधर किया जा रहा है। हम आपको बता दें, उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि जबलपुर के गड़ा इलाके में राधा कृष्ण की बावड़ी एक बार फिर से पुनर्जीवित हुई है। साथ ही सीएम ने इसके लिए जबलपुर के जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी 16 जून तक विविध प्रकार की जल संरचनाओं पे जिन पे अच्छा काम हुआ, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ऐसे सभी स्थानों से लगा करके लगातार जन जागृति के साथ साथ सभी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, उनके घाट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, उन्होंने विभाग मिलते ही दोनों ही विभाग के अधिकारियों की बैठक की है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। डिंडोरी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 26 छात्रों ने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नीट के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। ऐसे में कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर जनजातीय विभाग के छात्रों को पहले नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनकी फीस के साथ निशुल्क कोचिंग का इंतजाम भी किया गया। वहीं प्रशासन से सुविधाएं मिलने के बाद सरकारी स्कूलों के छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। सर, स्कूल में कोचिंग कराई जाती थी और कोचिंग में पढ़ा देते थे, तो फिर हॉस्टल जाके फिर रिवीजन करते थे। कम से कम 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। कैसे आपको मालूम चला कि नीट का एग्ज़ाम देना है, किसने बताया? हमारी टीचर्स हैं सर, मंजू मैम है। अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है। कितनी देर पढ़ती थी बच्ची आपकी? बच्ची तो अब उसको टाइम का बता सकता हूँ, पर जो टाइम आपका है। नहीं तो खूब देर तक पढ़ती थी जी। हाँ, पूरा रात दिन से पढ़ाई में बिजी है। हम बनी मजदूरी करते हैं और जो स्कूल है छात्रावास के माध्यम से उनके बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेंगे। और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारा स्टाफ ने जो मेहनत किया, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो काम किया, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ जिलाधिकारी होने के नाते। मंदसौर शहर में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में युवक की मौत होने के बाद लोगों ने हंगामा किया, साथ ही युवक के शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन भी किया, जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और विधायक विपिन जैन ने परिजनों से मुलाकात की, जहां विधायक ने मृतक परिजन को तत्काल 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की और निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात भी कही। चलिए तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी होते हैं हाजिर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार देवरी, जिला रायसेन। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहाँ मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।
शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन, एडमिशन ओपन। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, एमएस रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्री राम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डिंडोरी में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षकों ने बिना कारण प्रोत्साहन राशि की कटौती से आक्रोशित होकर ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जहां डिंडोरी ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षकों ने बताया कि मनमानी ढंग से प्रोत्साहन राशि की कटौती की जा रही है, जिसके चलते आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक ने ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मतलब भुगतान में काट-छाट करना और जो आदेश पारित हुआ था युवराज मामा के इधर से, वो आदेश का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। छवि भरद्वाज मैडम थी जब से आदेश जारी हुआ था कि आशा का इंसेंटिव 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर इंसेंटिव का भुगतान, उनका पूरा भुगतान हो जाना चाहिए। आशा पर्यवेक्षक का भी 1 तारीख से 4 तारीख के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। झाबुआ जिले की पेटला व जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत झकना वदा में पीडब्ल्यूडी विभाग लाखों रुपए की लागत से रोड निर्माण कर रहा है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि हमने जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अवगत कराया था, लेकिन कुछ अतिक्रमणकर्ता अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने में भी भेदभाव किया जा रहा है। रोड निर्माण में जो भी अतिक्रमण आ रहा है सभी को हटा कर रोड निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायत झकनादा में जो सीसी रोड बन रहा है उसको अतिक्रमण हटाने के लिए, तो अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा गया? हाँ, अतिक्रमण अभी पूरा नहीं हटा है। 80% अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लिया है और बाकी 20% अतिक्रमण और बाकी है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं पूरा अतिक्रमण हटा के और व्यवस्थित रोड बनाए। उस रोड में क्या नाली भी बननी है? हाँ, रोड में नाली भी बननी है और फुटपाथ भी बनना है। तो आपने एडीएम साहब को भी आवेदन दिया? हाँ, एडीएम साहब को आवेदन दे दिया, कलेक्टर साहब को भी अवगत करवा दिया है। अच्छा, व्यवस्थित रोड बने और अतिक्रमण पूरा हट जाए। क्या नाम है आपका? जगदीश चोयल। जगदीश चोयल, क्या चाहते हो आप, क्यों आए यहाँ पे, क्या कारण है? ये सीसी रोड का काम चल रहा है झकना वदा में, उसका अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए हम यहाँ आवेदन देने के लिए आए। तो जो आपका जो मेन चौराहे के अंदर जो रोड बन रहा है, तो कितना चौड़ा है वहाँ पे रोड? 52 मीटर चौड़ा है। 52 फीट चौड़ा है। 52 फीट चौड़ा। अच्छा, अभी तक जैसे रोड बनता है तो अभी वहाँ कोई झकना वदा बस स्टैंड की व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये रोड चौड़ा होने से व्यवस्था बसों की हो सकती है? रोड बनने के बाद व्यवस्था हो जाएगी, और जो अतिक्रमण है वो भी हटना चाहिए, वो हटना चाहिए। रायसेन के सांची मार्ग पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अतिथि शिक्षकों ने लाल बंद होकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जहां ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को स्थायी किए जाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनको स्थायी किया जाए। अतिथि शिक्षकों का पद जो है स्थायी किया जाए, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 2 सितंबर को जो महापंचायत में जो हमारी मांगे हुई थी उसमें से एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, ना उसका अभी तक आदेश निकला है। तो महापंचायत की भी जितनी मांगे हैं, 50% आरक्षण, बोनस अंक और पद को स्थायी, और 12 माह का सेवा काल, और अतिथियों को नियमित
और जो अतिथि जो वहाँ रह जाएंगे उनके लिए गुरुजी की तर्ज पे नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। अतिथि शिक्षक स्थायी पद होना चाहिए, इस ज्ञापन को देने आए हैं। जो 2 सितंबर को शिवराज मामा ने हम लोगों से वादे किए थे, वो एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमें अपना पद स्थायी चाहिए और अन्य जो अभी नई भर्ती कर रहे हैं, ये भर्ती पर रोक लगानी चाहिए। 12 महीने का सेवा काल और 12 महीने की हमें सैलरी मानदेय पूरा भुगतान होना चाहिए। डबरा में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक के मैनेजर के साथ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रेलवे ओवर ब्रिज पर जमकर मारपीट की, जिससे बैंक मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बैंक मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ी वाले उन्होंने आगे लगा ली गाड़ी, तो एक ने पीछे लगा ली और करके उन्होंने डंडों से पीटा मेरे को तरीके से। करीब 5-6 लोग थे और उन्होंने मुझे पीटा। वो मेरा किसी से कोई वो बाइक 4-2-व्हीलर से थे। लगभग 12 बजे अपने घर खाना खाने जा रहा था, तब रास्ते में रेलवे के पुल पर कुछ लोगों से गाड़ी टच होने की बात पर विवाद हुआ और उन लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। आवेदक के आवेदन पर से अपराध अधिवत कर लिया गया है। आवेदक आरोपियों को पहचानता नहीं है, उनकी पहचान कर उसकी दी जाए। तो देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी लगातार। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को, कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। भोजकरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। babasahibshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।